अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़िलहज के महीने में ही ख़त्म करना चाहिए, इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। आज इस मसले को हम हदीस की रोशनी में जानेंगे कि कुर्बानी का गोश्त हम कितने दिन रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो अहादीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इससे कबल मैं एक बात यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि बाज़ लोग फिर कमेंट करेंगे कि आपने जो है ये जो अहादीस बयान की, अब जो है बाज़ लोग जो है वो पूरा का पूरा बकरा जो है वो फ्रीज़र कर लेंगे, जो गरीबों को कुछ मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। देखें, कुर्बानी का गोश्त जो है ना मुस्तहब है, बेहतर है कि इसके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवाएं और एक हिस्सा अपने पास रखें। ये मुस्तहब है, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बेचारे गरीब ताकत नहीं रखते उनको भी गोश्त खाने को मिल जाए। ये अफजल है, बेहतर है कि इसके 3 हिस्से करें। अब आपने 3 हिस्से किए, एक हिस्सा आपने गरीबों में बांट दिया, एक हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवा दिया, अब जो आपका हिस्सा है, अब आप इस गोश्त को कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? इस हवाले से 2 अहादीस मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, जिस तरह के सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 2034, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज्यारत से रोका था। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि मैंने 3 चीज़ों से तुम्हें रोका था, अब तुम्हें रुखसत है। नंबर 1 पर कब्रों की ज्यारत से तुम्हें रोका था, अब तुम्हें कब्रों की ज्यारत करने यानी कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है। इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया था, अब तुम रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने तुम लोगों को 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, गोश्त जमा करके रखो। ये 2 अहादीस हैं, सही अहादीस हैं। ठीक है, अब इन अहादीस से मालूम हो रहा है कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो आप जब तक चाहें इसको रख सकते हैं, इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़र करें और इसको इस्तेमाल करें, जब तक चाहें कर सकते हैं। ये इसमें कोई हद बंदी नहीं है कि 3 दिन में ख़त्म करना है, 1 महीने में या 1 साल में, 6 महीने में, जब तक आप चाहें इस गोश्त को ख़त्म कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और इस तरह ये बात भी यहाँ पर समझ लीजिए, बाद लोग कहते हैं कि मुहर्रम में इस गोश्त का खाना जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है। कुर्बानी से पहले, कुर्बानी के बाद जो है मुहर्रम से पहले पहले इस गोश्त को जो है ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इन अहादीस से मालूम हो रहा है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें, आपको जब तक ज़रूरत है आप इसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शरान इसमें कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। मेरी तरफ़ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।